मॉर्निंग, तो फिर से खुशामदीद कहते हैं सभी सुनने वालों को, देखने वालों को भी। हमारा खाली एफएम 97 के स्टूडियो से लाइव आपके साथ मौजूद हैं आरजे आरज़ू मलिक। मॉर्निंग विद 97 प्रोग्राम में मैं आपके साथ मौजूद हूँ। ओके जी, 8:52 हो चुके हैं सुबह के, रहेगा ठीक 10 बजे तक। मतलब आपका साथ सभी को कहते हैं वेलकम। खुशामदीद कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी सुबह का आगाज कर चुके होंगे। आज रमजान से पहले वाला सैटरडे है इसके बाद भी एक सैटरडे आएगा, बिल्कुल आएगा। और चलिए जी, रेडियो पे तो मैं 8:30 बजे से स्टार्ट कर चुकी हूँ प्रोग्राम। अभी मैं फेसबुक पर भी लाइव आ चुकी हूँ और बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन करना शुरू कर दिया, तो उन सबको वेलकम कहते हैं। और साथ ही अपना टॉपिक भी आपको बता देते हैं ताकि आप भी टॉपिक पे बात कर सकें। रेडियो वाले तो करेंगे, लेकिन साथ में फेसबुक वाले भी कमेंट में अपने टॉपिक की वजह से बता सकेंगे। जी टॉपिक मैंने जो पूछा है आपसे, अभी मैंने किसी को भी नहीं बताया, सबको साथ साथ ही बताते हैं। टॉपिक आज का ये है कि आपकी जिंदगी का कोई यादगार लम्हा आपने कोई बताना है, कि कोई ऐसा फनी वाकया हुआ हो आपके साथ, ऐसा कोई यादगार लम्हा या फिर ऐसा कोई भी मोमेंट या फिर ऐसी कोई बात जो आप याद करते हो आपके साथ कभी कभार, कोई सफर में, घर में, जिंदगी में, कभी बचपन में या भी कभी भी आपके साथ हुआ हो, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि कभी और आप उस वाक्य को याद करते हो और आज भी आपको स्माइल आ जाती हो, आप हंस पड़ते हो, तो ऐसा कोई वाक्य आपने हमारे साथ शेयर करना है। तो फेसबुक वालों को भी बताते चले कि आप हमारे शो का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। अगर ये कॉल कर सकते हैं आप हमें, एक तरीका तो ये है कॉल करके 0537621961, उसके लिए हमारा नंबर है। और दूसरा तरीका है कि आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, उसके लिए नंबर हमारा 0302-395-9797 है। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, और जो लोग हमें नहीं देख रहे तो उनको भी बता सकते हैं कि आप हमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, www.facebook.com/hkfm97 हमारा फेसबुक पेज है, तो वहां पे आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग इसको लाइक कर रहे हैं, तो आप भी आके लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और क्या चीज थी बता, टॉपिक पे बात कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी जिंदगी का कोई ऐसा फनी वाक्या, ऐसा कोई यादगार मोमेंट जो आप आज भी याद करते हो तो आपको हंसी आ जाती हो, आप हंस पड़ते हो, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ काफी वाक्या तो हुए हैं, लेकिन कुछ मुझे याद नहीं होंगे। लेकिन एक वाक्य मैं आपको बता सकती हूँ। कुछ दिन पहले मैं सफर कर रही थी और मेरे साथ सफर में एक लड़की छोटी थी, इतनी भी छोटी नहीं थी, 15-16 साल इतनी एज उसकी होगी, तो मेरे साथ आकर बैठ गई। तो पहले पूरा सफर वो मेरे साथ बस चुप करके देखती रही, लड़की चुप करके देखती रही, कुछ ना बोली, मेरे साथ ही बैठी हुई थी। तो जब मेरा मंजिल जो है नजदीक आ गई, फिर मैंने उतरना था जाहिर है अपनी सीट से छोड़ के, तो थोड़ी देर पहले मुझे कहती है आप जॉब करती हैं? मैंने कहा जी मैं जॉब करती हूँ। फिर पूछती है कहाँ पे करती है? मैंने कहा रेडियो पे जॉब करती हूँ। फिर कहती है कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा आरज़ू मलिक मेरा नाम है। कहती है प्यारा, तो फिर मैंने पूछा चलिए आपका नाम बताएं, आपका क्या नाम है? तो कहती है आपका नाम प्यारा है, जवाब उसने ये बताया। तो मैंने कहा अपना नाम बताओ ना। कहती है आप प्यारी हैं। साथ में मैंने कहा कहाँ से हो आप? तो कहती है आंखों से प्यारी लग रही है। ऐसे उसने, मैं उसे कुछ और पूछ रही हूँ, वो मुझे कुछ और जवाब दे रही है कि आप आंखों से प्यारी लग रही है। मैंने कहा अपना नाम बताओ, आप कहाँ से हो? तो वो मैं बाद में भी याद कर रही, तो वो मुझे हंसी आ रही थी कि मैं उसे पूछ क्या नहीं और वो मुझे मेरे बारे में बता रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे वाकयात आपके साथ भी हुए होंगे, तो आप भी बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। 0537621961 हमारा नंबर है, और 0302-395-97 हमारा व्हाट्सएप नंबर, और फेसबुक पर लाइव है, तो आप लोगों के कमेंट्स को भी साथ 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 रीड करते चलते हैं। ओके जी, अब्दुल राफे हैं कि रफ हैं, इदरीस कहते हैं नाइस शो सिस्टर। ओके जी, एम अफजल कहते हैं हेलो हाय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आपको भी। और जहीम ताहिद कहते हैं नाइस आवाज है। और चौधरी अल्ताफ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा आरजे जी, खुशामदीद आगे कहाँ चला गया,
सुबह बहर प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आज की अच्छी बात यह है कि चीजों की अहमियत नहीं होती, वो कभी मिल जाती हैं। कुछ रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, अगर वो खो जाएं तो कभी नहीं मिलते, ना ही इनका कोई नेमुल बदल होता है। इसलिए रिश्तों की कदर करें और इनकी अहमियत को पहचाने। चौधरी अल्ताफ हुसैन आजिज प्राम करोड़ो बिम्बर आजाद कश्मीर से है। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने जी, बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह अच्छी बात बताने के लिए अच्छी बातें भी बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होता है, यहाँ पे बहुत सारी खराब चीजें हमें नजर आती हैं, अच्छी चीजें बहुत कम नजर आएंगी। और बहुत कम लोग ऐसे भी होंगे जो आपको कुछ अच्छी बातें या आपके काम की बातें बता रहे हैं, ज्यादातर तो खराब चीजें। और जहाँ से अच्छी कोई बात मिले तो वहां से खुशी से उसको कबूल कर लिया करें। अगर जी आपने भी अपना वाक्य कोई बताना है तो लुक में फेसबुक पे देखने आपके भी वाक्यात को साथ साथ शामिल किया जाएगा। ठीक है, हाँ तो आप हमें जो बताएंगे उसको भी हम यहाँ पे शेयर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं अभी देखें कॉल पे आप आके बता सकते हैं कॉल पे आकर आके बता सकते हैं। हाँ तो हमारे पास कॉलर आ चुके हैं, तो कॉलर की सुन लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई जान, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। माला हेल है हमारे साथ। आपका आवाज बहुत क्लियर आ रहा है। वाजी वाह, ये तो अच्छी बात होगी ना, मुबारक हो आपको। आज मैं फेसबुक पे भी जल्दी लाइव आ गई हूँ कि बाद में आप लोगों को टाइम नहीं मिला। अच्छा, शेयर कर दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात की है आपने। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी कॉल फटाफट से कट जाती होती है हमेशा, वो आप खुद काटते होते हैं ये कट जाती होती है, उसकी क्या रीजन है? काटते चले, इससे पहले कि आपका कस्टमर कोई आ जाए और आपका टाइम वेस्ट हो जाए, आप उससे पहले हमें बताएं अपनी जिंदगी का कोई यादगार लम्हा, कोई वाक्या ऐसा जिसे आप अभी भी याद करते हो तो आपको हंसी आ जाती हो, ऐसा कुछ है? बिल्कुल, बहुत ऐसा कोई है जिसे याद करके आप हंस पड़े हो अकेले? बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोई एक आधा वाक्य आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? और शिखर वहाँ जब मैं अकेली मरतबा जब मैं जा रहा था तो उसके दरवा में नहीं गया तो उसके ऊपर और कैमरे वगैरह उसने नहीं देखा था। कभी मरतबा जब मैं उधर गया था तो उसके प्रिंसिपल वगैरह उसके ऊपर दिख रहे हैं बिल्डिंग में, तो उसने भी वहाँ पे कैमरे लगाए था, अंदर कैमरे लगाए था, वहाँ पे बहुत गर्म ताजी हो गया था टेलीविजन को। अच्छा, अभी तो सिस्टर ये सोशल मीडिया से जोड़ा गया था, जिसे जब हम लोग सुनता था कार्यक्रम दिन में खाका पड़ जाता था कि प्लाना इस तरह की हो गई, इस तरह बैठ गया, फिर कमाई इस तरह चीजें होता है। फिर वहाँ पे मैं तो गया तो बहुत ज्यादा फर्क कर रहा था, ये सब लोगों ने सोच रहा था ये सब नहीं करो, हम लोगों ने दुकान होता है अच्छा समझ मुझे कोई नहीं आई कहा आपने क्या, लेकिन फिर भी जो कहा है अच्छा है। मैंने आपको ये बोला था कि मिसाल के तौर पर जब हम लोग एटीएम सुनते थे आप लोगों को दिमाग में नहीं वो खाका बन जाता था, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। कभी कभी जब मेरा मूड ऑफ हो जाता है
मैं ये अपनी यात्रा अच्छे लम्हे को मैं याद कर लेता हूँ, फिर मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छे लम्हों को याद करते हैं, मूड फिर अच्छा हो जाता है। आपका ज्यादातर मूड खराब रहता है कि अच्छा रहता है? ये तो अच्छी बात है। चलें ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। आगे जी हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मलाहेर थे और कुछ वाकयात उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। हमारे पास आ चुका है कमर्शियल ब्रेक का टाइम, ब्रेक को बनाते हैं शो का हिस्सा और फिर वापस आते हैं, साथ ही रहिएगा। Up next, the cushion break. Stay tuned for more. ओके जी, फेसबुक पर मैं कमेंट्स को साथ साथ रीड करती चलती हूँ। आज मैं इसी वजह से जल्दी लाइव आ गई थी कि आप लोगों के कमेंट्स को भी साथ साथ रीड किया जा सके, जो कि हमेशा मैं पढ़ती तो हूँ लेकिन यहाँ से फिर जाहिर है शो बंद हो जाते हैं तो उसके बाद भी पढ़ती हूँ। लेकिन चले आपके कमेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल बनाते हैं शो के हिस्सा। ओके जी, अर्शद मरी कह रहे हैं नाइस शो, नाइस आज जी, थैंक यू। एंड कहते हैं माई फेवरेट आज जी। और मोहम्मद असगर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद असगर कहते हैं, मोहम्मद असगर सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा से हमें सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और कहते हैं ये सुबह बहर, ओके आपको भी सुबह बहर जी। इमरान अब्दुल हाँ हाय, आपको भी हाय। ओके आबिदी है और ये क्या बता रहे हैं हमें, अच्छा इन्होंने रमजान का शेड्यूल हमारे पास आज शेयर किया है पूरे रमजान का। इमरान अब्दुल कहते हैं योर शो इज, योर वॉइस इज सो क्यूट। एंड मोहम्मद असगर कहते हैं स्कूल टाइम में बहुत से वाकयात हैं, वो भी खूबसूरत हैं, वो भी बहुत खूबसूरत हैं। तो अच्छा आप हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे, कॉल पे, कहीं पे भी बता सकते हैं कोई सबसे यादगार वाकया आपका जो आप याद करते हो और आपको आज भी हंसी आ जाती हो। आखिर शायद गुल कहते हैं सुबह का सलाम, वालेकुम असलाम। और हमदुल्ला कहते हैं मुझे मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद है, दुआ है कि हम सबका खात्मा ईमान पर हो और इसकी और इस मिट्टी को भी हम पसंद आ जाएं। वाकई में बहुत अच्छी बात है। ओके जी, सलाम भेज रहे हैं। इमरान अब्दुल कहते हैं योर दीज वर्ड्स टचिंग इन माई हार्ट, योर दीज वर्ड्स टचिंग इन माई हार्ट। कौन से, मुझे पिछले लफ्ज भूल जाते हैं। अच्छा जी, शायद कहते हैं बेस्ट शो है आपका, थैंक यू जी। और मोहम्मद असगर कहते हैं काफी लंबी बातें करते हैं। अब्दुल मलिक अंसारी कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका प्रोग्राम मक्का मुकरमा सऊदी अरब से सुन रहा हूँ, अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया जी आपका, आप इतनी अच्छी जगह पे बैठ के हमें सुन रहे हैं। और हमजा कुरैशी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। जुल्फकार अंडर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर राजी, वालेकुम अस्सलाम। हमजा कुरैशी कहते हैं क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मलिक अफाक मलका कहते हैं मास्क पहन ले, क्यों भी मैं क्यों मास्क पहनू, मैं यहाँ पे अकेली बैठी हुई हूँ, मास्क तो तब पहनेंगे ना जब ज्यादा लोग बैठे हों और वायरस का खतरा भी ज्यादा हो। और हमने वैसे भी वैक्सीनेशन करवा ली हुई, आपने वैक्सीनेशन करवा ली हुई है क्या? अब ये जल्दी अलियान अदनान चट कहते हैं हाय 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 हाय, अच्छा काफी हाय 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 लिखे। अच्छा अब्दुल लतीफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, एक दिन गली में जा रहा था मोटरसाइकिल पे, कुत्ता पीछे लग गया था। अच्छा फिर क्या हुआ? तो मोटरसाइकिल पे आप दौड़ लगा देते, कुत्ता कहीं पीछे ही रह जाता। अच्छा जी, आमिर फौजी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और जल्दी अलियान अदनान जड कहते हैं क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आमिर फौजी कहते हैं नाइस शो है और क्या हाल है कहते हैं। वसीम अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और फरीद खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, शो जबरदस्त है और पश्तो सॉन्ग सोना दे। मियां गोंदल कह रहे हैं, मियां गोंदल ठीक है ओके, पश्तो सॉन्ग चलाते हैं। ओके जी, अच्छी सी नात लगा दें हमजा, हमारा शो नात वाला तो है नहीं है, फर्स्ट शो है गानों के साथ नाते तो।
नंबर है और ये बना ही कॉल करने के लिए है जिसपे अभी एक कॉलर आ चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से? इसरार अहमद मुगल वजीराबाद। आपको अपनी आवाज रेडियो पे आ रही है? कम आ रही है। मैं भी कहूँ आपकी आवाज आ क्यों नहीं थी। अच्छा आप सुनाए कैसे हैं आप? बिल्कुल आ रही है, ठीक है, अभी ठीक होगी आवाज। ऐसे ही है, मेरी मिस्टेक थी। अच्छा तो बेचन कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं? खाना खाया, प्रोग्राम गा के सुन रहे हैं। चले मुझे बताएं आपकी जिंदगी का कोई यादगार सा वाक्या। अच्छा अब्दुल लतीफ हमें बता रहे हैं कि वो एक दिन मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उनके पीछे कुत्ता लग गया था। मैंने पूछा फिर क्या हुआ, कहते हैं मैंने मोटरसाइकिल रोक दिया था। फिर क्या हुआ? चले आप भी अपनी जिंदगी का कोई अच्छा सा वाक्या बताएं। हम स्कूल जा रहे थे तो आगे से बच्चे वापस आ रहे थे। अच्छा स्कूल से आ रहे थे? हाँ जी वापस आ रहे थे। अच्छा ये पूछा ना क्या होगा, क्या छुट्टी होगी? अच्छा तो हम भी वहाँ से वापस शुरू आना शुरू हो गए ना, वहीं से जो हमें रस्ते में लड़के मिले लड़कियाँ, हमने कहा कि छुट्टी हो गई है। अच्छा तो इस तरह सारे स्कूल को छुट्टी हो गई। अच्छा तो फिर सुबह गए तो आपकी शामत आ गई। जैसे जैसे छुट्टी का मैसेज दिया था वैसे वैसे हम बता देंगे। तो जिस बंदे ने छुट्टी करवाई थी अच्छा उसको फिर पकड़ना था, वो भाग गया था स्कूल से। अच्छा सफेदे का दरख्त है, आपको पता है पतला था, बहुत लंबा था होता है। सफेदे का उसका दरख्त। हाँ जी तो उसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो लड़का उसके ऊपर चढ़ गया बहुत ऊपर तक। अच्छा फिर तो फिर वो नीचे नहीं का उतरा, टीचर ने कहा था कि उसको पकड़ के फिर उठा के लेके आए मेरे पास। अच्छा मैं छुट्टी क्यों करवाई है? हम्म। तो वो फिर नीचे ही का उतरा तो फिर हम उसको अपने जूते और कोई भी मतलब चीज पकड़ के ना कोई पत्थर वगैरह तो ऊपर उसको मारा तो वो फिर उसने अपने हाथ छोड़े नीचे गिरा। अच्छा फिर उसको उठा के ले गए मुजरिम पकड़ के ले गए। अच्छा फिर उसकी अच्छी खासी मार कुटाई टकाई हुई। हाँ अच्छी पटाई हुई, उसने कहा गया इतना मैं छुट्टी नहीं करवाऊंगा। अच्छा ठीक है। तो टीचर ने कहा कि जब तक तो नहीं करना ना दे छुट्टी है या नहीं, वहीं से वापस नहीं जाना चाहिए। हाँ उसके लिए ये अच्छा मुहावरा था, वो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, दरख्त के ऊपर चढ़ गया फिर भी जान नहीं छूटी। नहीं तो फिर आखिरकार उसको नीचे उतरना ही था ना। आखिरकार ऐसा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए उनके हाथ जहाँ पे उसके हाथ थे उसके हाथों पे अगर चुट्टी लग गई या कोई और चीज लग गई तो उसमें फिर दर्द होनी है, उसने हाथ छोड़ना ना वहाँ से। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, इतने ऊपर से गिर कर उसको लगी नहीं, गिरा नहीं है, उसी से फिसलता नीचे आ गया ना, फिसलता वो नीचे आ गया। अच्छा हाँ वो तो मुझे पता है, वो पतला सा दरख्त होता है लंबा सा। अच्छा तो मुझे बताएं और कुछ कहना चाहेंगे, और कोई वाक्य ऐसा? और इतना का वाक्य कि हम नहर में नहाने जाते थे। फिर वहाँ से ना पहले उसको हम पाल कहते हैं सूखी मिट्टी, उसको कट्ठा करके ना तो जैसे तूड़ी होती है ना, तूड़ी की एक तार बनाते हैं, आपने देखी होगी तूड़ी, तूड़ी होती है ना वो जब गन्ना की कटाई करते हैं तो वो तूड़ी बनती है उसके साथ। अच्छा जिसको पो बोलते हैं पंजाबी में, पता नहीं कहेंगे तो वो बताएंगे। वो जो खुश्क सा निकलता है भूसा टाइप। हाँ वो गन्ना के साथ तो उसका वेस्टेज जानवरों को डालते हैं। अच्छा वेस्टेज जो भी होता है। चलिए आगे बोले। उस तरह ना हम मिट्टी की तार बना के ना तो बीच में से सूखी मिट्टी बाहर निकाल के तो ऊपर से उसके तरफ पानी डाल के ना। अच्छा उसकी फिर उसके बीज ना सुराख करते थे ऊपर से। आप समझ लें कि जैसे एक परात होती है ना जी, वो तो परात है ना थोड़ा सा ऊंचा
होता है वो मट्टी का हम ढेर बना के ना त्राह करके उसके अंदर पानी डाल के जी जी फिर वो बड़ी कीड़ी होती है ना जिसको कहते हैं कमानो कीड़ी अच्छा वो दो पकड़ के उसमें रख के ना तो वो फिर पानी में बांध देते हैं अच्छा। आप किसी भी तरीके को कहते हैं देखो वो घोड़े भाग रहे हैं पानी में तो देखता था ना अच्छा। तो वो ऊपर ही दबा देते थे मट्टी के अंदर ही अच्छा तो वो फिर लड़ाई होती थी वो वही मट्टी के गोले बना के एक दूसरे को मारते थे अच्छा वो इस तरह करके फिर वो किसी को हाँ किसी को आंख में लग जाए मुंह में लग जाए तो वो फिर इस वजह से छोड़ दिया आपने बड़े बड़े घोड़े कल लड़ाइयां करवाई हुई है वहाँ पे फिर एक और काम करते थे वो चले ना ठीक हो गया अभी आपकी कॉल कम नहीं ना एक हो गया एक एक की बात हुई थी अब सब ऐसे ही करेंगे दो नहीं मैंने एक ही कहा था चले ठीक हो गया अब आपकी कॉल लंबी हो गई वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज ओके जी इसरार अहमद मूल वजीदाबाद से साथ दे रहे थे और उनके वाक्य भी आपने सुन लिए आप भी ऐसे वाक्य सुना सकते हैं मोहम्मद वसीम विहा कह रहे हैं गुड मॉर्निंग बाजी ओके भाईजान वालेकुम अस्सलाम मलिक ताहिर कह रहे हैं ताहिर मलिक वाचिंग फ्रॉम जम्मू इंडिया से ओके जी जम्मू इंडिया वो भी कहती है वेलकम जी आनू सलीम खानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैडम गुड मॉर्निंग हाउ आर यू गुड शो एंड वॉइस इज सो क्यूट आई एम सलीम सानी फ्रॉम पाक आर्मी को भी सलाम अस्सलाम वालेकुम कॉलर को वालेकुम अस्सलाम काफी सुनी सुनी सी आवाज है ये काफी अरसे के बाद भी हाँ कौन और कहाँ से हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक जिंदगी भी अच्छी है बस जैसी भी है जिंदगी अच्छी है अच्छा तो आपकी जिंदगी कैसी है मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है अच्छा ऐसा क्या है ऐसा कैसी है हैं उतना कैसी है हाँ आप कैसी हैं भाई मैं हमेशा की तरह बहुत आप खुद कह चुकी हैं दो दफा मेरी कोई कमी रहेगी ये कहने की अच्छा है जो दिल में हो वो कह देना चाहिए अच्छा आखिर जो दिल में होता है वही तो लब्बू पे अच्छा मुझे बताएं आपकी जिंदगी का कोई यादगार सा वाकया अब एक सवाल है तो एक बार फिर करना चाहती हूँ क्योंकि बाकी ने भी कॉल करनी है बिल्कुल ऐसे तो हुआ कुछ क्योंकि ये ना मतलब फायरिंग किसकी तरफ हम शादी थे अच्छा। तो 5-7 साल की पहले की बात है अच्छा। तो ना जब मैं गई थी और मेरी चची थी और उनके दो बेटे थे ना वो भी छोटे छोटे थे अच्छा। मतलब ये है कि पेट पे बैठ जाया करते थे मुझे भी चीज की जरूरत थी तो हम वापसी से आ रहे थे तो मुझे ना मुझे दरम्यान वाली सीट होती है उधर उन्होंने बैठाया मैंने बिल्कुल अच्छा। लोकल पे थे हम लोग ना मैंने बोला कि मैंने ना गाड़ी वाली सीट पे बैठना है अच्छा। मेरे कजन था कहता नहीं मैंने बैठना हमारी ना पहले ना 5-10 मिनट तक बैठ होती रही तो चची कहती है कि आपने टाइम रख लें आधा घंटा ये बैठते आधा घंटा तुम बैठ लेना अच्छा तो वो मतलब जब भी ना वो वाक्य आता है तो बड़ा मतलब ना मजा आता है और एक और
सुना दी थी छोटा सा, तब तो आपको बड़ा गुस्सा आया था एकदम से, मतलब देखे थे और पैसे भी हम लोग तो पीछे हो कि कोई नहीं, पैसे भी हम लोग मतलब आगे थे ना, सही। तो एकदम से उसमें ड्राइवर ने ऐसे मोड़ मोड़ा और मैंने हाथ भी नीचे रखा, तो बिल्कुल 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 दूसरा दूसरा हम ना जो मोटामल साइड से गए थे तो मेरे ननिहाल होती है, तो लोग भी हम लोग गए थे, ये भी 6-7 साल पहले की बात है, जब मैं आई मैट्रिक यहाँ आज से मिल थी। अच्छा। तो ना मैंने ना बोला कि भाई के साथ ही, मैंने बोला मैंने बड़ी बड़ी साइड ले ली है ना। अच्छा। तो कहते हैं आपने हमेशा विंडो सीट के लिए लड़ाई की है तो मैं पहुंचे ना बैठी थी, तो वो गर्मी थी और किसी ना खोली हुई थी ना, तो मतलब कोई मतलब गाड़ी का डर था वहाँ पे, हम लोग बस रुकी थी तो जो गर्मी शरीर थी तो कुर्सी वाला आ गया ना, वो मुझे ना बार बार आते ना शीशे की तरफ आके बोले कि बाजी कुर्सी दे दे कुर्सी दे दे, एक दफा हमने लेके दिखाई फिर कहते बाजी कुर्सी दे दे कुर्सी दे दे, और जो कुर्सी थी ना वो मेरे मुंह के सामने करे ना क्योंकि शीशा जो ऊपर था। अच्छा, कुल्फी आइसक्रीम कुल्फी जितनी मुझे पीटे वाली होती है वो। अच्छा, मुझे थोड़ा गुस्सा देखे यार कब से कह रहे हो बताए नहीं देनी, नहीं फिर भी कह रहे ले लो ले लो। अच्छा। मुझे मेरे समय बोला क्या इसे आने तो मैं समझ से खाती हूँ, मैं तेरे में बोला। अच्छा। अम्मी के साथ बैठे थे दादो की थे, तो जब वो तीसरी दफा आया ना उसे मेरे मुँह क्या देती, तो मैंने आगे सिर्फ कुर्सी को ना चक्की थोड़ी सी दे दी ना। क्या दे दी? मतलब चक्की थोड़ी सी दे दी खा ली। अच्छा, कुर्सी का थोड़ा सा उठा लिया आपने इसका पाँव नीचे देने के लिए अच्छा ओ तो ना वो ना मुझे तक दिखना शुरू हो गया, और अम्मी ने उधर अम्मी को पता चला, अम्मी कहते तुम इस दफा घर से मैं तुम्हारी सामान ले जाते मैं घर के, फिर अम्मी ने मुझे पता तुमने तुम्हें बेदत करा दी, मैंने बोला उससे नहीं आपने समझाया कि वो कब से कह रहे भाई नहीं 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 हर दफा तो पापी कहता है ले लो, बोलो फिर मैंने ये करना था। अच्छा। तो कहते किसी ने नसीहत ला दी कहते किसी को तंग नहीं करना। अच्छा, तो सही मजीद बात, और ये मैं जब सोचती हूँ ना कोई गर्मी में आती है तो मुझे ओके जी, मैं आपके कमेंट्स को रीड करूं, और सलीम सानी के लिए अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड शो एंड वॉइस इज सो क्यूट, आई एम सलीम सानी फ्रॉम पाक आर्मी, ये मैसेज मैंने पहले भी पढ़ दिया था। ओके जी, आप भी अपनी जिंदगी के वाकया बता सकते हैं, आप सलाम दुआ तक महदूद हैं फिलहाल, शो की तारीफ भी कर लें, लेकिन उसके साथ अपना भी अदब भी बताएं, अपना भी कोई वाकया शेयर करें, जैसे कि रेडियो पे हमारे साथ बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, तो आप भी बताएं हमें। आगे जी, जट जट कहते हैं जी, हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जी, राजा बकार कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, और मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुनव्वर मुनव्वर क्या है ये मुनव्वरा, कहते हैं क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शाहजेब मलिक कहते हैं आर जे, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज आर जे आरजू मलिक। जी जी रोड खालियां, दाखिले जारी है, हमारे हम
मिलिट्री कॉलेजेस, मेडिकल एंड कैडेट कॉलेजेस और PAF कॉलेजेस के लिए स्पेशल कोचिंग और स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। कुरान पाक की मामानी तालीम के साथ महाना मेडिकल चेकअप और फिजिकल फिटनेस पर खास तवज्जो देना हमारा नस्बुलैन है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और आला तालीम याफ्ता फौजी इंस्ट्रक्टर्स की जेर निगरानी तलबा में खुद एतमादी पैदा करने के साथ साथ उन्हें कुरान मजीद की लाजमी तालीम दी जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज पर खसूसी तवज्जो और जहीन तलबा के लिए स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। जदीद कंप्यूटर, वसी लाइब्रेरी और रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट सिस्टम, मुसल्ला अफवाज और शुदा के बच्चों के लिए मखसूस कोटा और फीस में रियायत, तमाम रूट्स पर स्कूल की अपनी ट्रांसपोर्ट की सहूलत। खुशखबरी, फिर से कुरान की क्लास 10 मार्च 2022 से शुरू होगी। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए द कैडेट स्कूल भद्दो रोड गुलियाना एट द कैडेट स्कूल निजाम बैंक जी टी रोड खारिया। कॉन्टेक्ट नंबर 0537601015 एंड 0345849412। वेलकम बैक, एक बार फिर से शामिल कहते हैं सभी सुनने वालों को और देखने वालों को हमारा खड़ी एफएम 97 के स्टूडियो से लाइव आरजे आरजू मलिक। और अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम कॉलर, चलें दोबारा से ट्राई करिए आप। चलिए जी देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे अंकल कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अंकल रफीक हैं जी हमारे साथ। जी अंकल, अच्छा आमीन आमीन, थैंक यू। अच्छा अंकल, आपकी जिंदगी के तो बहुत सारे यादगार वाकयात होंगे, बड़ी पड़ी होगी जिंदगी। अंकल कोई सबसे ज्यादा यादगार वाकया जो आज भी आप याद करते हो और आप हंस हंस के बस हंसते हो? काफी पुराना वाकया है जी, 11-12 साल का था जी जी। ट्रेन में सफर कर रहे थे। ओ, अच्छा, तो घर वाले भी साथ है, उनके साथ पंडी हो गई आपके साथ? हाँ। अच्छा, सीट में बैठे थे ना, ऊपर बिल्कुल वो लगा हुआ था, वो जिसको खेंचे तो ट्रेन खड़ी हो जाती है। जी जी बिल्कुल। तो बचपन में मैं वेट वाइज में काफी गया। आपका वेट ज्यादा था? अच्छा 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 फिर मैंने ना खड़ा हुआ और उसको पकड़ कर उसके साथ बैठक दिया। अच्छा, आपको नहीं पता था ट्रेन रुक जाएगी? नहीं मुझे नहीं पता था। अच्छा फिर वो घंटा जो था वो बाहर आ गई, रेल की बाहर आ गई और ट्रेन आस्ता आस्ता रुक गई। अच्छा, वो आ गया गार्ड, आ गया फिर उसका मैं तरला दिया ना, वो फाइन कर दे इस तरह ये बच्चे ने इस तरह किया है, इस तरह नजर आया। अच्छा, तो नहीं किया मालूम था, तो वो फिर चला गया, तो उसके लिए इस तरह करके बाहर का पता हुआ। अच्छा, तो उसके अलावा मेरी नई नई शादी हुई, शायद मैं पहले आ चुका या नहीं मुझे नहीं याद। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, नई नई शादी हुई तो तकरीबन महीना गुजर गया था। अच्छा, गुजरात में ससुराल था। फिर आए
मैंने उन्हें कहा कि आप यहाँ खड़े हो, मैं रक्षा दे देता हूँ। अच्छा, आप उम्मीद करें, मैं रक्षा में डाल के जा रहा हूँ। उनको वही छोड़ा है। वही छोड़ा। अच्छा, ये जानबूझ के किया था कि आपको याद नहीं रहा? मेरे जेब में नहीं रहा, तो मैं अकेला हूँ, मेरे साथ। अच्छा, आप रिक्शा लेने गए थे और खुद ही अकेले ही आ गए? अच्छा, अच्छा, जहाँ छोड़े थे वही मौजूद थे। अच्छा, तो नई नई शादी हुई थी तो आपको भूल ही गया कि आपकी कोई बीवी भी है। अच्छा, फिर अंकल थोड़ा सा, अच्छा बात दफा दफा हो गई। सही, अगर दो नहीं गए वैसे वहाँ के आज। चल 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 अच्छा, पूछ रहे थे टाइम क्या हुआ? अच्छा, टाइम क्या हुआ? फिर जी मुझे लड़का ने कहा वो मास्टर साहब खड़े मैं गरीबा नहीं हूँ, टाइम पूछ गया। अच्छा, चला गया। अच्छा, तो आपके साथ अच्छा दोस्तों ने छेड़खानी कर दी। वाह, आपके वाकया तो आपके मजे के थे। जी जी बिल्कुल। जी 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 मुझे आ गई समझ उसकी। तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं। ओके, थैंक यू। आप तो बड़े बड़े पढ़े हैं, कितने बंदा खाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बस एक आध सुना के दूसरों को भी हंसाना मना मकसद है कि सब फ्रेश हो। सुबह सुबह इतना बंदा बिजी रूटीन में होता है। चलें, ठीक हो गया अंकल, बहुत अच्छे वाकयात आपके, बहुत शुक्रिया। हाफिज जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम उसामा रजा फ्रॉम दिल्ली। एक ही माशाल्लाह वॉइस हमेशा की तरह बहुत प्यारी है और शो भी प्यारा है। आप ही हदीजा और सुनने वालों को सलाम, वालेकुम सलाम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आरजे आजमली शकील खानिया से कह रहे हैं और कहते हैं कि पूछा जो हमने किसी और के होने लगे हो क्या? वो मुस्कुरा कर बोले तुम्हारे थे क्या, पहले तुम्हारे थे तक क्या। ओके जी, शकील खानिया से हमें पोइट्री भेजते हैं कुछ, ठीक हो क्या शकील? ओके जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? हाल तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। और कहती है कि मैं पहली दफा शो सुन रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा शो, आवाज भी नाइस है। सबको सबको सलाम और पाक आर्मी को भी सलाम। ये सिद्धा कह रही है डिंगा से, बहुत शुक्रिया सिद्धा, आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा जी, सुनहरी बात आई है, सलाम डियर आपकी जानी, माई नेम इज शुएब अख्तर, आपी आई होप यू विल बी फाइन, योर शो इज वेरी गुड, सलाम टू ऑल एंड सलाम टू लवली ग्रुप। और सुनहरी बात यह है कि किसी को उससे पुराने लिबास और उजड़े बालों की वजह से गरीब मत समझो, हो सकता है कि उसके पेपर हो रहे हूँ। लवली डे, अच्छा जी ठीक हो गया। किसी के भी पुराने कपड़ों उजले बालों से इसको गरीब मत समझे, हो सकता है उसके पेपर हो रहे हो, ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स के हालात।
आगे जी अभी हमारे पास कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, अभी को बताते हैं शो का हिस्सा बताते हैं वापस। अभी दो लिंक हमारे पास मौजूद हैं। आगे जी आपके मैं कमिश को नीड करूं और हमारे साथ कौन दे रहा है भाई? वकार कह रहे हैं, राजा वकार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग आपको भी। मोहम्मद आसिफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फेसबुक वाले कोई भी अपना हाल अहवाल वाकयात नहीं बता रहे, भी आपके पास कोई वाकयात नहीं है क्या बताने के लिए? बाकी सलाम दुआ तो चले करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने साथ होने वाले सिर्फ एक बंदे ने बताया जिसके पीछे डॉगी लग गया था, बाकी और किसी ने कुछ नहीं बताया अभी हमें। चले वापस आ गए हम। आगे जी वेलकम बैक खुशामदीद, और फटाफट से नहीं वापस आ गई मैं। लग रहा है ऐसा कुछ। अच्छा कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम आरजू, तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। एंड जी आया नू, मुझे कहते हैं मरियम और मैं धोरिया से आपको टेक्स्ट कर रही हूँ। अच्छा सॉन्ग है आरजू और अनिला हान कराची हुई थी। अनिला कहाँ खड़ाची हुई थी? मैंने समझा पूछ लिया कि कराची गई हुई थी, खड़ाची हुई थी। हाँ जी अनिला ने बता दिया, वो कहीं नहीं खड़ाची हुई थी, इधर ही थी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मरियम आ गई है साथ में, हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया बच्ची सी नन्नी मुन्नी। अभी बड़ी आ गई है। अरे वाह, ये कब हुआ? मैंने तो आपको छोटी सी देखा था जब आप आइसक्रीम खाती हुई घूम रही थी, विंडो सीट के लिए लड़ती थी। आप लड़ती थी कभी? मैंने कहा आपने कभी विंडो सीट के लिए लड़ी बचपन में? छोटी सी देखा था मैंने आपको, बड़ी कब हो गई आप? अच्छा वैसे ही। अच्छा आपकी जिंदगी का कोई यादगार वाकया अभी याद आ गया आपको? वो सोच के तो नहीं हंस रही? छोटा सा वो ऐसे हुआ था कि एक दफा हम ना जमीनों में गए और मेरे जो बहनों थे उन्होंने ना वो पैसे वगैरह रखी तो वो उसको चलाने के लिए गए, तो हम भी गए, तो छोटे छोटे से मैं भी और मेरे दो भाई और मेरे तीन भाई गए और भाभी। अच्छा भाभी भाभी तो हम चलते गए तो फिर ना वो भैंस हमारे पीछे लग गई। अच्छा भैंस ने फिर मारा आपको कि बच्चे तो होगी? अच्छा अच्छा भैंस हो नहीं सुनती। अच्छा ये वाकया था, और भी होंगे आपकी जिंदगी में कोई वाकया? किसका? नहीं 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 मैं अपने टाइम पे आई हूँ, मेरे शो का टाइम अभी तक 8:30 से 10 ही है। नहीं वो तो अभी शेड्यूल चेंज होगा तभी ना, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना। अभी तो वैसे भी रमजान आ रहा है, अभी तो बस चेंज ही होने वाली है। अच्छा आपका क्या दिल में शो करने आ जाए अगर? हाँ आ तो नहीं रही थी, मैंने 2019 में रमजान के शोज किए थे, उसके बाद 2 साल हो गए नहीं किए, तो इस साल मैं सोच रही हूँ कुछ। अभी पूछ रहे हैं मुझसे कि करना है कि नहीं, बस मेरा दिल है रखवा लूँ एक शो। रमजान में बिल्कुल जी इंशाल्लाह ऐसे ही है। अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय। आगे जी आ
आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या आपकी क्या हाल है? आई एम जीनत आवाना, आवाना से। अच्छा, शो बहुत अच्छा है और शो इज सुपर डुपर और आपकी आवाज बहुत अच्छी है। टॉपिक के बारे में कहूंगी कि कभी कि अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं हुआ, और अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं हुआ चले हो जाएगा। और सब सुनने वाले को सलाम करेंगे। आप ही भाई अख्तर वजीर का शो कब होता है प्लीज टाइम बता दें। उनका शो होता है? मैंने तो खुद नहीं कभी सुना। अभी वो आज का शो नहीं कर रहे और किसी ने कहा कि बहुत अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह, और थैंक यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? मैं सोनिया मलिक, माशाल्लाह नशो, सबको सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और कहते हैं गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आरजे आरजू मलिक एंड आई एम चौधरी महफूज डिंगा से हैं। और कहते हैं खुद बहुत छोड़ गए हैं तो चलो ठीक हुआ, इतने अहबाब कहाँ हमसे संभाले जाते हैं, हम भी गालिब कितना कूचा है, जाना से मोहसिन ना निकलते तो किसी रोज निकाले जाते, ऐसे काम ही नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मनामा है शायद, हबीबा बात कर रहे। हबीबा? ओ हबीबा उमर चक से। ओ कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। काफी अरसे के बाद नहीं आ पाई आज? अच्छा, हमें बताएं आप कहाँ खड़ाची हुई थी, ऐसी कौन सी मसरूफियत थी? मैं खड़ाची हुई थी, मेरे पापा की कुत्ते की डेथ हो गई थी ना, इस वजह से फिर मैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सही। अल्लाह ताला उनको जन्नत उल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और अभी आप क्या कर रही हैं, कैसी गर्मियां गुजर रही हैं आपकी? गर्मियां बस आएंगे गुजर जाएंगी, आई भी हैं तो चली भी जाएंगी, फिर से अगले साल आ जाएंगी। अच्छा चले, मुझे बताएं आपकी जिंदगी का कोई वाकया, ऐसा यादगार मोमेंट, कोई लम्हा जो आप अभी भी याद करते हो और आप हंस पड़ते हो। कभी ऐसा हुआ आपने बहुत ऊंची हील पहनी हो और आप बहुत सारी गैदरिंग में चले गए हो और आपका पाँव फिसला, आप सबके सामने एक ड्राम गिर गए हो और सबका ध्यान, अच्छा आप अभी जो होती है चले रहने दे। अच्छा चले, मुझे बताएं जिंदगी का कोई वाकया। जिंदगी का वाकया बताऊँ, वाकया वो मैंने लास्ट किया ना, गई थी किनारा पे, अकबर किनारा ना जो, अच्छा किनारा पे, अच्छा फिर वो मिलती होती है ना उधर, तो उधर किनारे पे हम वापसी थे ना, हमने कुछ अभी झूला लेते हैं कुछ देना, तो हमने उधर लिया, हमारे साथ पीछे जो है ना वो एक कपल बैठा हुआ था। अच्छा तो उनकी वाइफ को शायद डालने तक एयरपोर्ट टर्न हुई ना वापस आने के लिए। कौन सा जूला, कौन सा एक जूला, कौन सा था जूला, कौन सा था? अच्छा अच्छा कश्ती में जूला लिया। अच्छा फिर तो उन्होंने वो जब टर्न हुई ना ठीक, तो उन्होंने रो रो से ना सीना शुरू कर दिए, तो मैंने ऐसे करके ना पीछे देखा ना, बोलता मेरे देख के ना बोलते रहा के उनको चली ले गए, कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो, बस टर्न हुई है ना इस वजह से, तो मैं डर लग रहा वैसे नहीं हुए, तो मैंने जब पीछे देख रहा हूँ मैं देख के अपना लगे बच्चे, तो मैं रियाज से ना मुझे इतनी हंसी आती है। अच्छा, और आपको फीलिंग आई होगी कि देखो क्या डरपोक मेरे पीछे बैठी है, मैं बहादुर। नहीं नहीं ऐसी कोई ना, मेरे साथ मेरे मामा जी ना बैठी, उन्हें भी डर लगता था, उन्हें भी हमें कैसे बिठाया, मैं कुछ नहीं होता। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसी जगह पे डर लग जाता होता है, हालांकि मैं बैठ के डरी नहीं हूँ अभी तक। मैं दूसरे जगह पे डरती हूँ, कुछ एक माह पहले ना मेरे मामू आए हुए थे, तो मामा जी उसके से मुझे ले गए, मुझे कहती हैं वो जो 24 जोलों को होता है, कौन सा एक तो आसमानी झूला होता है, कश्ती वाला झूला होता है, आसमानी में 24 डोरियां होती है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, मुझे बड़ा डर लगता है, तो मुझे कहती हूँ तुम्हें ना बिठाई, मैंने कहा मैंने नहीं किया था, तो उन लोगों के साथ जैसे बिठाते हैं मां का कितनी, तो मैंने कहा मुझे उतार दे। अच्छा मैं बचपन में ये सारे झूले नहीं है, मैंने कहा यार किस तरह से मुझे डर लगता है, डर लगता है इसमें और कितनी बात है। अच्छा कहती है तुम इतनी भाग रहे थे, तो किसी चीज के नरके नक तो कहते हो बिलो से डरती हो, बचपन में तो मैं भी इन सारे खतरनाक किस्म के झूलों पे ले लेती थी, अब नहीं लेती, अब बड़ी हो गई तो डर। चले जी, और कुछ कहना चाहें सुनने वालों को? ओ ये तो बड़ी दुख भरी कहानी है आपकी, एंड पे कॉल मिल गई, फिर यूँ हुआ कि आपकी कॉल मिल गई, आपकी कहानी भी समाप्त होगी। अच्छा चले जी, मैंने कहा
हाँ मकड़ी से कुछ ना कुछ तो सीख के जाना भाई यहाँ से। मुझे भी जब भी परेशानी होती है कोई, मैं भी मकड़ी को याद कर लेती हूँ, बेचारी ने बहुत कुछ सिखाया हमें। तो आपने रमजान में शो किया तो प्रोमो प्लीज जरूर चला दीजिएगा। कौन सा ये प्रोमो के आप किस टाइम शो करेंगे, अगर आप शो करेंगे रमजान में तो? अच्छा मैं अगर करूँगी तो मैं मॉर्निंग में करूँ, करना चाहिए मुझे क्या? अच्छा ठीक हो गया, मॉर्निंग में ही होगा अगर। हाँ सेम टाइम पे। अच्छा ठीक है, जरूर आपको बताया दिया जाएगा। ठीक है हाँ, ये ना हम शो करके आए, छुट्टी नहीं नहीं मैं आप छुट्टियाँ हाथी पूरी जिंदगी छुट्टियाँ थोड़ी ना करनी है, और ये ना रमजान में मैं आके शो करूँगा और आप छुट्टियों पे चली जाए। ओके इंशाल्लाह जरूर, बहुत शुक्रिया हबीबा। दुबई गाना चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हैं आप? अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आई एम सलीम सलीम सानी, सॉरी गले में खराब हो गया थोड़ा सा। सलीम सानी फ्रॉम पाक आर्मी जिंदाबाद, और मेरी तरफ से दोनों हदीजा मनामा अनीला जट और सिस्टर मरियम को सलाम। सलीम सानी पाक आर्मी से कह रहे हैं और कह रहे हैं कुछ लोग आपकी जिंदगी में तारों की तरह होते हैं, बहुत ही मदद मगर ठंडक और सुकून बख्शने वाले। अच्छी अच्छी बातें भी साथ में। हमारी अकड़ और अना ही हमारा बोझ होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अकड़ नहीं खानी चाहिए, आजजी में ही सुकून है। अगर जी शाहजेब मलिक ने नाम पूछा था, आरजू मलिक मेरा नाम है, सुनीम सुलमान एडवोकेट कह रहे हैं सलाम लिया सिटी से हैं, और इमरान क्या कह रहे हैं ठहर जाए कॉलर की भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, इमरान ने भी अस्सलाम वालेकुम ही कहा है। अच्छा जी कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम सभी को। अच्छा हमजा है हमारे साथ, हमजा कैसे हैं आप? पहले तो आपकी कॉल फर्स्ट पे आती होती थी, आज तो एंड पे कस्टमर आ गए थे। ओ अच्छा, सुबह सुबह बोनी होगी है, अच्छा बोनी होगी आपकी सुबह सुबह। चले जी ये तो अच्छी बात होगी, अब आपका दिन अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह। अच्छा आपका रोज कोई ना दिमाग। अच्छा आपका भी दिमाग खा जाता है, हमें लगता है कि वो जो होते हैं ना दुकानदार वो दिमाग खाते हैं, लेडीज को ये लगता है। एक चीज अगर हमको बोले हम हजार पे तो वो दर्द कर करके सात सौ रूपए साढ़े आठ सौ रूपए तक दे जाते हैं। तो आप ऐसा भी तो कुछ हम उनको बताते हैं ज्यादा करके कुछ कम कर। तो आप अगर उनको मुनासिब बताएं तो फिर वो जितना ना कम करें। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, 50 रुपए की चीज भी मिल रही होगी तो उसको भी कम करवाएंगे, इस वजह से कोई बेचारी अच्छी खवातीन भी जो होती है ना जो नहीं बहस कर सकती तो वो भी मारी जाती है ऐसी। हाँ तो वो बेचारी तो बस धोखे में आपको फायदा करवा देती है ना, फायदा अच्छा तो मुझे देख के लगेगा आपको कि मैं करूँगी कि नहीं, करती तो कोई नहीं, लेकिन इस वजह से मैं साथ कोई ना बंदा लेके जाती हूँ। हाँ तो मैं अपने ही पूछ रही हूँ ना, मैं करती हूँ कि नहीं आपके ख्याल में, आप कह रहे ना कि बंदा देख के पता चल जाता है। हाँ मुझे की नहीं जाती वो, मुझे लगता है कि उस बेचारे ने भी रोजी कटौती यही से कमानी है। मुझे आप अभी बता रहे हैं तो घर वाले अक्सर कहते होते हैं कि रेट ज्यादा बताते होते हैं, इस वजह से डांट खाती हूँ क्योंकि महंगी चीजें लेके आ जाती हूँ हमेशा। तो आप अभी बता रहे हैं ना, जब दुकानदार खुद बता रहे हैं। अच्छा
ओह अच्छा ऐसे करना चाहिए ठीक है किसी दिन डिटेल से ना आपसे मैंने सीखना है देखना कुछ शॉप पे आना पड़ेगा अच्छा रेडियो पे नहीं हो सकता इतना सफर करके मैं आऊंगी फिर भी है ही ना मुझे तो यहाँ से यहाँ रेडियो से मेरी शॉप तक 3 से 4 मिनट लगते तो है ना अच्छा चलें ठीक हो गया हम जाओ हम चाय भी पीनेंगे फ्रूट चाट और चाय भी ऑफर होगी हो मुझे चले हम जाओ पहले अपनी जिंदगी का वाक्य बताएं हमें कोई अपनी एक दफा मैं और मामू सुनील का बेटा अच्छा खाला को तंग कर रहे थे खाना को तंग कर रहे थे ओह अच्छा तो वो वाइपर लेके हमारे पीछे भागी अच्छा मैं ज्यादा तंग कर रहा हूँ मेरे पीछे भागी ना अच्छा होश उड़ गई तोते उड़ गए आपके वापिस आ गए फिर क्या सबक सीखा आपने इस वाक्य से इतना नहीं के बस तोते दोबारा से उड़े ओ अच्छा एक दफा ये मुर्गियों ने धरना दिया अच्छा रोड पे लगता था उन्होंने मुझे कहा था गुजरा और ना ये चीजें लेके आनी है अच्छा बाहर लेके जाने से डेनमार्क ना तो वहाँ पे हमने रात को दो वापस लेकर आए हम रात को दो बाई बस के लिए मैंने चेक में पूछे था अच्छा वहाँ पे ना पीछे कुत्ते लग गए अच्छा फिर वो जो एक बताने वाला नहीं वो करछा होता हाँ चमचा वो इतना बड़ा सा वो करछा होते कहते हैं हाँ जो इतना बड़ा होता है जो उसके साथ देके पकाते हैं वो कुत्ता हमारे पीछे लगा ना मैंने उसे वो ही मारा ओह उसके बाद फिर वो सारे रस्ते ना मरे पीछे नहीं आया तो वो आपने जब दोबारा खाना बनाया तो उसी चमचे के साथ बनाया था अच्छा इन चीजों पे यानी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए किसी कुत्ते को भी वो पड़ा हो सकता है लगा हो सकता है वो ये भी चीज आपने बता दी है कि दो की चीजें इस्तेमाल करें और ऐसी चीजों को इस्तेमाल करने से गुरेज भी करें आप क्या सकते नहीं फिर बाद में उनको कौन के ना अच्छा 2-3 दिन के बाद मैंने उनको अच्छा बाहर के लोगों को वैसे भी क्या लेना देना इन चीजों से वो तो कुत्ता भी खा जाते होते हैं उसको भी नहीं छोड़ते नहीं यार तो मुसलमान ही थे ना वो भी अच्छा वो मुसलमान थे लेकिन बाकी तो नहीं ना मुसलमान होते ये भी है चले ठीक हो गया हमजा क्या आपकी आवाज कट गई आपकी आवाज कट गई मुझे समझ नहीं काफी साल के बाद हबीबापी की भी बात सुनी आवाज सुनी है अच्छा की आवाज सुनी है और लिहाजा तमाम सुने आयशा मगल मुनामा हबीबा और वालेकुम सलाम ओके जी वालेकुम सलाम हमजा बहुत शुक्रिया आज हाफिज ओके जी अगर जी ब्रेक का टाइम है ब्रेक को बनाते हैं शो का ऐसा लास्ट लिंक है उसके बाद जी हमारे साथ दे रहे हैं फेसबुक वाले भी आपके भी मैं कमेंट को साथ साथ रीड करती चलो इमरान साजनी है कि सजनी है क्या कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम और मोहम्मद इजमान सागर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम और तालिब मरी कह रहे हैं शो नाइस एंड तालिब हुसैन मारिया खादरो ये कौन सी जगह मैंने तो जगह का नाम भी पहली दफा सुना है खाटू अच्छा जी अनाबिया चौधरी कह रही है अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग आरजू क्या हाल है ठीक हो ना क्या क्या हुआ खाना नहीं खाती क्या पतली हो गई हो अरे वाह अच्छा अगर बंदा खाना खाए होंगे पतला हो जाए तो अच्छी बात है आजकल वैसे ही मैं खाना कम खा रही हूँ रमजान की प्रैक्टिस कर रही है एक टाइम खाना खा रही हूँ अच्छा तो आपको भी रमजान की प्रैक्टिस पहले से करनी चाहिए इस बजाय इसके
बाद में परेशानी उठानी पड़े एकदम से। कुछ लोगों से भूख बर्दाश्त नहीं होती ना, मैं भूख बर्दाश्त करके गरीबों का दुख समझना समझने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी सारी चीजें खाती हूँ। अच्छा जी, अनाबिया चौधरी करिए, सोनिया मलिक अगर FM को ट्यून किया हुआ है तो सलाम सलाम गुड़िया सलाम करिए। अच्छा आगे जी, मैं आपका मैसेज लाइव चल के दोबारा पढ़ देती हूँ। अच्छा हाशमी कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग FM रेडियो टीम को सलाम, पाक आर्मी को सलाम, आवाज अच्छी है। आई एम अजहर अब्बास जाफरी फ्रॉम दोरिया। प्रोग्राम का लास्ट लिंक है, आखिरी मूवमेंट चल रहे हैं और अनाबिया चौधरी ने कहा है हमें कि सोनिया मलिक अगर FM को ट्यून किया हुआ है तो सलाम है कुड़िये। आगे जी कुड़ी ने सलाम दे दिया। सी चौधरी गालिब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह और सुबह बखैर। सुबह बखैर आपको भी चौधरी गालिब। जहरम से कहते हैं तमाम सुनने वालों को सलाम और माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है और कॉलर भी हमारे साथ अच्छे ही हैं। अस्सलाम वालेकुम खदीजा, आज आपके कौन सी पहाड़ी पे चढ़ के कॉल कर रही है हमें? आज आपकी आवाज़ गूंजती हुई आ रही है। मैं रेडियो पे गाया। अच्छा 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 रेडियो साथ में गाया। अभी ठीक हो गया, अभी आपने आवाज़ कम कर दी। नहीं नहीं सुने सुने, आप अपनी आवाज को भी सुने, कैसी आती है? अच्छी आवाज नहीं आती ना, मैं अपनी आवाज़ भी कोई बात नहीं, लेकिन पिछले चार से आवाज भी आती ना इसलिए। कुछ ना कुछ तो हुए, आज किसी भी कॉलर ने शिकायत नहीं की। चले हदीजा, पहले खराब था लेकिन ये सारे कॉलर कहते थे, लेकिन फिर हम लोग उसका रेडियो था ना, हम बोल लगा लेते थे, नहीं थे जिनके पास। अच्छा मुझे बताएं अपनी जिंदगी का कोई यादगार वाकया। वाकई ऐसे है, लेकिन रात को भी एक वाकया हुआ है, मंडी थी ना तो पैसे फेंक रहे थे, उन्होंने नकली पैसे फेंके, मतलब के ना सबके ऊपर आके गिरे सब, मैं तो मतलब के हाथ खड़े थे, वो मतलब की उसकी तरफ ना हाथ बैठाया और जो है ना मेरी ऐसे बन कहते हैं कि नकली पैसे हैं, तो फिर ऐसे लाइट भी शायद उस वक्त बंद था, लाइट बंद थी ना, तो फिर ऐसे मतलब के सारे बच्चे सब मैं ऐसे मतलब एक दूसरे के ऊपर गिरे ना पैसे पकड़ने के लिए। अच्छा यानी कि नकली पैसे फेंक रहे थे और लोगों को लगा असली है और वो टूट पड़े। नहीं ये किसी ने बस शरारत की थी, वैसे जब सब देना गुस्से पैसे फेंक गए थे, लेकिन किसी ने ऐसी शरारत की थी। अच्छा ये आपकी जिंदगी का यादगार वाकया है? वो सारे कह रहे थे वैसे ही ऐसे जो हाथ बताया है तो नकली है। अच्छा ये किसी ने शुगर लगाया होगा उनके साथ। अच्छा तो अपनी जिंदगी का कोई वाकया बताए। अपनी जिंदगी का आप कहीं पे खिड़की थी शादी को गए थे ना, तो वो पहले भी सर मैंने ना ये क्लीन जॉब सुनाया हुआ है, तो हम लोग मन गए शादी को, तो वहाँ पे ना मतलब की बंटी भी और हम सारे इकट्ठे थे ना, तो जैसे हम लोग गली के एंटर हुए ना, तो एक लड़का उधर ऐसे खराब देख रहा था ना, फिर बंटी कहते हैं क्या कर रहा था, देख रहा था ना खड़े देख रहा था, घूम रहा था। हाँ देखा, तो आंटी कहते हैं जैसे हम लोग एंटर हुआ ना, तो देख रहा था, आंटी कहते हैं जब हम लोग उसके करीब आगे इतनी दूर थे ना, तो भी ऐसे देख रहा, जब हम थोड़े करीब आए ना, तो आंटी कहते हैं पुत्र मेरे को ना वो मैं त्रै बच्चा नहीं बहुत अच्छे थे तुम्हारी हल। अच्छा कोई भी नहीं ऐसा, वो मतलब चला गया बेशक ना, तो जैसे हम लोग थोड़े उसके करीब हुए ना, तो वो शायद नाली थी ना, तो उसमें गिर गया, तो उसके कहते हैं पुत्र मैंने रखा ना के बैठो मुझे जरूरत है, अपने ध्यान कर ले। हाँ कहीं और देखेंगे तो इधर उधर देखेंगे तो यही होना है ना। चले उसको सबक मिल गया कि आइंदा नीचे देखना है, जमीन की तरफ देख के चलना है। अच्छा हदीजा और कुछ कहना चाहिए? बात ऐसे क्योंकि घर में भी मानदा नहीं होती है, ये तो नहीं किसी की मांग वालों को अलग अलग नजर रखे और अपने की कहीं हम मान को इज्जत करें, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जिनकी अपनी घर में माए बहन है वो समझ सकते हैं इस चीज को, दूसरों को इज्जत देंगे तो खुद मिलेगी आपको। और कुछ कहना चाहिए हदीजा? और इसके अलावा सभी सुनने वालों को